दतिया से सामने आई घटना बच्चों को डरा रही है, परेशान कर रही है और अभिभावकों को गुस्सा भी दिला रही है। ड्रीम एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने पांचवी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्रा के शरीर में कई जगह चोट के निशान बन गए हैं और टीचर की गुंडई इस हद तक पहुंच गई कि जब बच्ची के परिजनों ने इस पिटाई का कारण पूछा तो टीचर ने जवाब में उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। मध्य प्रदेश के दतिया के इंदरगढ़ के स्कूल ड्रीम एक्सीलेंस पब्लिक में 10 साल की खुशबू कुशवाहा पांचवी कक्षा की छात्रा है और वहीं पर मुकेश कुशवाहा नाम का शिक्षक भी है। स्कूल में खेलते वक्त खुशबू और भूमि जो उसी स्कूल में पढ़ती है उनका झगड़ा हो गया। भूमि कुशवाहा जिसके साथ खुशबू का झगड़ा हुआ वो मुकेश कुशवाहा जो शिक्षक है वो उसके चाचा की बेटी है। जैसे ही झगड़े की बात टीचर मुकेश कुशवाहा को पता चली तो वो झल्ला गया और छड़ी उठाकर बहुत ही बेरहमी के साथ खुशबू को पीटने लगा। पिटाई से खुशबू को कई जगह चोटें आईं। जब बच्ची के परिजन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर बच्ची को मारने का कारण पूछा, जिसके बाद मुकेश कुशवाहा ने बच्ची के परिजनों को जान से मारने की उल्टा धमकी दे डाली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक लड़की थी सर की चाचा की, सुन ने वो अम्मी दे रही थी, सामने थोड़ा दे दिया, सर ने अम्मी मारा है के सामने। प्रिंसिपल है चांदनी के डंडे, चांदनी सर बोला तुमने गलती की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।